चैनल। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हाय आई एम जिया भारद्वाज। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हो तो करो, क्योंकि आपके दुखी रहने से भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करो, खुश रहो, प्यार से रहो, स्वस्थ रहो। चलते हैं वीडियो की तरफ। होने क्या वाला है आपको थंबनेल और टाइटल से पता ही चल गया होगा। मैंने देखा आजकल बहुत सारे यूट्यूबर इतनी सारी वीडियो उन्होंने बना रखी है, शॉपिंग वेबसाइट का हॉल बना लेते हैं, जैसे मीशो हो गया या फिर बैनिक हो गया, मिंत्रा। सबसे चहेती वेबसाइट है जो मैंने देखा मीशो, मीशो मीशो मीशो, हर जगह मीशो 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 की सब हॉल वीडियो बनाई रहे। तो मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी एक हॉल वीडियो बना देती हूँ। तो गाइज अभी मैं मीशो का हॉल लेके आ रही हूँ, क्योंकि यू नो बजट थोड़ा ऐसा है, और जब मेरा YouTube चैनल चल जाएगा या फिर आप अच्छे अच्छे लाइक्स देंगे, व्यूज देंगे, तो मेरे पास एक मोटिवेशन आएगी, तो मैं फिर महंगे वाला हल करूंगी। धीरे धीरे से अभी सस्ते से स्टार्ट कर। और हाँ गाइज, ये वीडियो स्पेशली गर्ल्स के लिए होने वाली है, क्योंकि गर्ल्स का ही मेरे पास सामान है ये। बट हाँ, अगर आप बॉयज अपनी सो कॉल्ड समझ जाओ उनको गिफ्ट करना चाहते हैं, या फिर अपनी बहन को गिफ्ट करना चाहते हैं, मम्मी चाची ताई किसी को भी गिफ्ट करना चाहते हैं, सस्ते में निपटारा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। और मैं आप ही के सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूंगी, कैसी पैकेजिंग आई है, कैसा स्टफ है, मटेरियल, मतलब सब कुछ वो आप ही के सामने मैं दिखाती हूँ। लेकिन कुछ कुर्ती वाले मैं पहले ही खोल चुकी हूँ उनको पैकेजेस को, तो वो तो मैं आपको ऐसे दिखा दूंगी, पर जो बाकी बच्चे हुए हैं मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करती हूँ। फर्स्ट हमारा है ये वाइट वाला टॉप, जो कि है 253 रुपीस का। तो मैं इसको अनबॉक्सिंग करती हूँ। ठीक लग रहा है वैसे तो देखने में, ये कुछ ऐसा है, मतलब जैसे जैसे पिक्चर में दिया हुआ है एग्जैक्टली वैसे ही है, बट थोड़ा सी थ्रू है। हाँ, तो अगर आपको इसको पहनना होगा तो इसके अंदर आपको स्पैगेटी या कुछ डालनी पड़ेगी, और बाकी मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ कि कैसा है। तो गाइस फर्स्ट टॉप हमारा ये है, इसका ऐसे स्क्वायर में इसका नेक दिया हुआ है, और स्लीव इसकी ऐसी है पफी वाली। ये देखो, ये वैसे लॉन्ग ही है, इतना ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। और अगर आपको शॉर्ट टॉप पहनना पसंद है तो आप इसको जीन्स के अंदर कर सकते हो। और ये वैसे ओवरऑल मेरे को प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा लगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट है वो ये वाला पार्सल है, फिर मैं एड्रेस दिखा रही हूँ। ये है मल्टी कलर का पर्पल और वाइट टॉप, जो कि मेरे को 185 का पड़ा है। हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, देखने में तो ये अच्छा लग रहा है। देखो देखने में कुछ ऐसा है, यहाँ पे इसके दोनों साइड आपको ये डोरियाँ मिल जाएगी, इधर पर्पल में इधर वाइट में। लेकिन इसका जो कपड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा सी थ्रू है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी सी थ्रू है गाइस, काफ़ी सी थ्रू है, मतलब ये वाला जो मैंने टॉप पहना हुआ है इससे भी ज़्यादा, बल्कि ये तो फिर भी चलेगा। सो गाइस ये कुछ ऐसा है, ये सेकेंड टॉप। लेकिन ये ना जो इसका यहाँ पे ये डिज़ाइन दिया हुआ है ना, ये बार बार अंदर जाया जा रहा है। वैसे ये सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है पहनने में और देखने में। आप साइड में ऐसे डिजाइन है और इधर भी ऐसे डिजाइन है, लुक वाइज ही अच्छा लग रहा है। पर जो मुझे इसका एक बैड पॉइंट लगा हुआ है ये, कि ये टॉप बिल्कुल ऐसे नहीं हो जाता जैसे यहाँ अड़ गया, ये थोड़ा ढीला होना चाहिए था, ऐसे ऐसे होना चाहिए था, ये बिल्कुल ही यहाँ पे हैक हो गया एकदम बॉडी से, समझ जाओ, मेरे को समझ नहीं आता क्या बोलते हैं। और प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है, बट सी थ्रू है, इसके अंदर आपको कुछ स्पैगेटी वगैरह पहननी पड़ेगी। मैंने जितने भी अपने टॉप मंगाए हैं, कुर्ती मंगाई है, जो भी मंगाया है, सब मीडियम साइज में मंगाया है। आप मेरे जैसे हो देखने में थोड़े हेल्दी से, तो आप मीडियम के जाओ, और अगर आप मेरे थोड़े ज़्यादा मोटे हो तो लार्ज पे जाओ और एक्सेल पे जाओ। मैंने सारे मीडियम में ऑर्डर किए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉप की तरफ। ये क्या है गॉइज, ये तो कुछ भी नहीं है, ये है फैंसी वन शोल्डर क्रॉप टॉप गाइज, वन शोल्डर, इतने कम प्राइस में, क्योंकि ये 210 का मेरे को मिला है, आया है। और ऐसे अगर हम बैनिक वगैरह पे देखते हैं, मिंत्रा वगैरह पे देखते हैं, तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। उस अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि इससे मंगवा के देखा जाता है। वन शोल्डर क्रॉप टॉप कैसा आता है गाइस, कैसा आता है, चलो देखते हैं। हाय गाइस, ये ऐसा है, देखने में तो अच्छा है, मीडियम में ये भी ऐसी एक स्लीव्स है, उसके आगे ऐसे प्लास्टिक लगी हुई है इसमें टाइट। और ये बट यार ये ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इनर वाला बनियान वाला कपड़ा नहीं होता है जो ऐसे खींच जाता है, देखो ऐसी है मोटी सी इसकी साइड की, और ये कपड़ा है, आप समझ ही जाएंगे देख के कि कैसा है। इनर वाला जो कपड़ा होता है वो
मतलब जैसा पिक्चर में दिया था एग्जैक्टली है तो वैसा ही, लेकिन यहाँ का और यहाँ के कलर में फर्क है देख, और उसमें बिल्कुल सेम सेम दिया हुआ है, तो यहाँ ये तो गलती है। और कपड़ा इसका ना ऐसा ऐसे झंडे वाला कपड़ा नहीं होता है, फ्लैग का जो कपड़ा होता है वो जो सिलते हैं, वैसा सा कपड़ा है इसका, ऐसे है ऐसा सा। मैं आपको इसको वियर करके दिखाती हूँ। सो गाइस, ये टॉप कुछ ऐसा सा आया है, मतलब इसका इधर से कुछ नहीं है, अगर आपको एक स्लीव्स मिल जाएगी, और इतना शॉर्ट है, प्यारा लग रहा है। आपको सस्ते में जाना है और फर्स्ट टाइम ट्राई करना ऑफ शोल्डर, तो आप इस पे जा सकते हो, 210 में कुछ बेकार नहीं है। मतलब हाँ, ये झंडे वाला कपड़ा तो है, बस उससे थोड़ा मोटा होगा, वो ज़्यादा ही पतला रहता है। आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो गाइज, ये हमारा नेक्स्ट टॉप है 282 रुपीज़ का। तो आपके सामने इसको अनबॉक्स करती हूँ, इसको टॉप को बाहर निकालती हूँ गाइज। यार ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, वाओ। ये टॉप कुछ ऐसे है, और ये यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसी है जैसे इसकी स्लीव्स है। यहाँ पे आपको लास्टिक दी जाएगी शोल्डर पे, दोनों साइड पे, नीचे यहाँ पे लास्टिक है, ऐसा फ्रंट है। आप इसको ऐसे पहन सकते हो, इसको ऐसे पहन, इसमें नीचे हमें ये दो डोरी भी दी गई है जिससे आप इसको ऐसे कर सकते हो। लेकिन इसका कपड़ा सी थ्रू है गाइस, ये व्हाइट से जो पैटर्न दिए हुए इस वजह से इतना नहीं दिखेगा इसके आर पार, क्योंकि ये प्रिंटेड टॉप है। अब मैं इसको ट्राई करके आती हूँ कि ये कैसे लगता है। गाइस ये टॉप को जरा देखो, बहुत सुंदर है भाई, 282 रुपीज़ में आपको ये मिल रहा है। और लुक वाइज कपड़ा भी इसका कंफर्टेबल है, और हवा भी पास हो जाएगी सर्दियों से, भी थोड़ा पतला ही कपड़ा, बहुत अच्छा है यार, आई एम इन लव विद दिस टॉप। इसका ये नेक भी बहुत प्यारा है। इस टॉप को पहनने का आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक तो आप पूरा ऐसे पहन सकते हो उसको, पूरा ऐसे पहन सकते हो ऐसे, और एक दूसरा जो ऑप्शन मिलेगा मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो डोरी दी हुई है इनको ऐसे करके, और ये थोड़ा बटरफ्लाई फॉर्म में आ जाएगा, और इसको आप ऐसे यहाँ पे नॉट कर सकते हो, ये कुछ ऐसा लगेगा। कितना प्रीटी है गाइस, मीशो आई लव यू, हम जैसे गरीबों की मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिर्फ 282 रुपीज़ का, आई कांट बिलीव, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है गाइस, सच में आई एम इन लव विद दिस टॉप। इस टॉप को जल्दी पहन के मैं वीडियो बनाऊंगी। सो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट टॉप की तरफ। ये मैंने पहले ही अनबॉक्स कर लिया था, और ये कुछ ऐसा है देखने में, ये भी मतलब देखने में तो प्रीटी है, सेम एग्जैक्टली जो पिक्चर में दिखाया गया था इन्होंने सेम वही भेजा है। 187 रुपीज़ का ये टॉप है। इसके यहाँ पे आपको नीचे के जो टमी एरिया होता है सारे में आपको लास्टिक मिल जाएगी, और इसकी ऐसी स्लीव है। मीशो के कपड़े ना वैसे ज़्यादातर सारे सेम ही हैं, ये जो इसकी बैक एरिया है ये पूरा लास्टिक में ही मिलेगा आपको। चलो इसको ट्राई करके दिखाती हूँ। ये टॉप भी बहुत प्यारा है, इसका नेक आपको इस टाइप में मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको लास्टिक मिल जाएगी वही सेम, आप इसको ऑफ शोल्डर करके भी पहन सकते हो, और इसको ऐसे भी पहन सकते हो। ये इसकी लास्टिक यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा टाइट है, ठीक है, और ये लुक वाइज यहाँ से आपको पेट पे एकदम परफेक्ट फिट विट देगा, मतलब अकॉर्डिंग टू द प्राइस। सेम वही बात, मीशो के कपड़े जितने अभी तक मैंने जो टॉप मंगाया है एकदम परफेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब टॉप तो मैंने इतने मंगाए थे, 5-6 जो भी टॉप मैंने आपको दिखाए हैं, फिर अब मैंने मंगाई है 2 कुर्ती। मैंने सोचा कि मीशो की कुर्ती भी ट्राई कर ली जाए। मेरे को तो वैसे सच्ची बताऊँ, अकॉर्डिंग टू द प्राइस जो ये सब मिला है तो परफेक्ट है, क्योंकि और क्या ही लोगे भाई, इतने सस्ते में इतना मिल गया, लुक वाइज तो सारे बेस्ट एकदम परफेक्ट। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट की तरफ, और ये नेक्स्ट है ये वाली कुर्ती। ये आजकल बहुत चल रही है, मैंने पहले ली थी येलो में, बट वो पता नहीं कहाँ गई, तो मैंने ये अभी से मीशो से मंगाई है पिंक कलर की, बेबी पिंक। ये कुर्ती मेरे को पड़ी है 544 रुपीज़ की, शिफॉन में ये कपड़ा लिखा हुआ है वहाँ पे, और मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। गाइस देखो ये कितनी प्यारी कुर्ती लग रही है, ये पूरा इसका यहाँ पे आपको मिरर वर्क मिल जाएगा, और ये मैं आपको साइड में, कितनी बहुत सुंदर है, और इसके यहाँ पर भी मिरर वर्क मिल जाएगा आपको, इस साइड भी मिरर वर्क मिल जाएगा। बट हाँ, ये मार्केट में भी इतने की मिल रही है, 500-550 की। प्लीज़ मेरे बालों को थोड़ा इग्नोर कर देना, क्योंकि ये कपड़े चेंज करते करते ये कुछ ऐसे हो गए हैं, मतलब अच्छी है, आप मंगा सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो नेक्स्ट है वो हमारी ये है। ये मैंने गलती से मतलब मंगाना मैंने मीडियम ही था, मैंने इसको डबल एक्सेल साइज में मंगा लिया गाइस। डबल एक्सेल कहाँ से कहाँ नहीं आएगा, इतना खुला आएगा भाई। फ्रॉक वाला स्टाइल में कुर्ती है ये, मेरे को मिली है 345 रुपीज़ की। इसमें दो कलर अवेलेबल थे, एक पिंक और एक ब्लू, तो मैंने पिंक वाला मंगाया।
अब मैं आपको इसका वेयर करके दिखाती हूँ। गाइज मैं कुर्ती पहनती नहीं हूँ लेकिन यार ये भी बहुत प्यारी लग रही है। इसमें आपको दो पैटर्न मिल जाएंगे, फर्स्ट तो ये लाइन वाला और सेकंड ये कुछ अलग से डिजाइन वाला, और यहाँ पे आपको ये गोल गोल ये मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं इनको, जो बोलते हैं, और ये फुल हमारा फ्रॉक वाला स्टाइल है। कैसे दिखाऊं, ये हमारा इस टाइप का गाइस फ्रॉक वाला स्टाइल है। कैसे लग रहा है गाइस, ये था हमारे मीशो हॉल का लास्ट आइटम, सात आपको आइटम दिखाएंगे, सारे एकदम बढ़िया थे। मुझे तो पता नहीं वो जो मीशो पे रिव्यू करते हैं वो ज़्यादा महंगा सामान खरीदते होंगे, जो कि वो इतनी कमियां निकाल देते हैं। कमी थी कि पतला था थोड़ा मटेरियल और कुछ कपड़े मतलब सी थ्रू थे, बट वही बात है कि प्राइस के अकॉर्डिंग आपको ये मिल रहा है तो वो तो एकदम बढ़िया है, मस्त। और थोड़ा बहुत तो आपको भी एडजस्ट करके चलना पड़ेगा अगर आप इतने सस्ते से मंगा रहे हो। और मीशो को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, गरीब लोगों की मदद कर रहा है गाइस, वो इतने सुंदर कपड़े देके सस्ते में। हाँ जो कमी है ना गाइस की, मीशो पे सारे कलेक्शन एक जैसे ही है, जैसे मैंने आपको स्लीव्स दिखाई थी सबकी स्लीव सेम है, काफ़ी मतलब सेम से कपड़े हैं, वहाँ कुछ अलग नहीं है ऐसा। तो मैंने सोच समझ के इतना मंगवाया था कि पहले एक बार ट्राई कर लिया जाए, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि कैसा सामान आएगा, अगर खराब आ जाता तो इतने पैसे गए उसमें, मेरे को जब होता गाइस है ना, पैसा तो पैसा, थोड़ा हो कि ज़्यादा हो, पैसा तो पैसा है गाइस, बुरा तो लगता ही अगर खराब होता है। तो जो ये मैंने मंगाया सब एकदम बढ़िया है, मैं इनको आराम से पहन सकती हूँ, बट वो जो पर्पल वाला है उसमें मैं थोड़ी डाइसी हूँ, मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, बाकी ये सारे एकदम परफेक्ट है। आप इसको ले सकते हैं, मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर लिंक नहीं हुआ तो मैं इसका कोड प्रोवाइड कर दूँगी। वैसे मैं तो बड़ी खुश हुई मीशो से, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको और मीशो सीरीज चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और अभी सस्ती वेबसाइट से ले रही हूँ कपड़े, नेक्स्ट टाइम थोड़ा अप जाएंगे, फिर मिंत्रा पे जाएंगे, फिर अर्बेनिक पे जाएंगे, फिर बताने जाएंगे जाएंगे, इतनी औकात नहीं है गाइस, इतनी औकात नहीं है गाइस, मजाक कर रही हूँ, गरीब तो हूँ ही गाइस मैं, बट इतना अफोर्ड कर सकती हूँ। ठीक है तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मतलब किसी एक गाइस बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, तो मैं इसको अनबॉक्सिंग, ठीक है, और इसी बीच आपको, और इससे मीडियम से पहले आपको एक्सेस और स्मॉल मिल जाएंगे। गिर जाता मेरा फोन गाइस, हाय मेरे बालों को क्या हो गया, रुको मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा गाइस, मैं इसको लगा लेती हूं। तू क्या जाने मेरे दिल का दर्द, छोड़ ना जाने तो गाइस, मैं अच्छा लग रहा गाइस, मैं पागल हूं गाइस, इस फोन को भी तोड़ के छोड़ूंगी, गोल गोल मोती मोती नहीं है, चुपे क्या होता है ना। और मेरी वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़, वैसे मैं ऐसे नहीं कह रही जैसे बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अगर ये वीडियो किसी घर पे नहीं पहुँची तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट ठीक है स्टिल गाइस, मुझे भी व्यूज चाहिए, मुझे भी व्यूअर्स चाहिए, मुझे भी अपने सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको